हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जीवंता हो। इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर अनार कौन सी फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम से बिलोंग करता है। वर्तमान में इसका उत्पादन कौन कौन से देशों में होता है, इसकी उम्र कितनी होती है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है। सबसे पहले मैं इसके वर्गीकरण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अनार प्यूनिकेसी या लिथ्रेसी फैमिली से है। इसका ऑर्डर मर्टेल्स है। क्लास मैग्नोलियोपसिडा है। फाइलम ट्रैकियोफाइटा है और इसका वानस्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है। वर्तमान में इसका उत्पादन इंडिया, ईरान, स्पेन, इटली, अफगानिस्तान, अमेरिका, चाइना, रसिया, मोरक्को व ग्रीस में किया जाता है। अब मैं इसके एज व एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी। अनार के वृक्ष की उम्र 200 से 300 वर्ष होती है। यदि फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे बहुत अधिक फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे कम मात्रा में ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इसमें आप अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अनार में एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एक्टिविटी पाई जाती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसर्किया कोलाई जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट यह एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। यदि हम एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एंटी ऑक्सीडेंट ऐसा कंपाउंड है जो हार्ट डिसीज और कैंसर जैसे कई डिसीजेज होने के चांसेस को रोकता है। यह ऑक्सीडेशन से उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वे हमारे शरीर की कोशिकाओं या सेल्स को डैमेज करता है। एंटीऑक्सीडेंट ही इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। पाया गया है कि अनार के जूस व इसके बीज के तेल में एंटी कैंसर एक्टिविटी पाई जाती है। यह ल्यूकेमिया, स्किन, ब्रिस्ट कैंसर, इंटेस्टाइन और लीवर कैंसर को दूर करने हेतु उपयोगी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।